हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मैक्रोनी बनाना। तो आइए बनाते हैं मैक्रोनी मसाला। मैक्रोनी बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम मैक्रोनी ली है और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कैचअप सॉस मैंने 3 चम्मच लिए हैं और ये 2 टमाटर को मैंने कट कर लिया है, 2 प्याज को कट कर लिया है और 2 ही मैंने गाजर ली है, इसको लंबाई टुकड़ों में कट कर लिया है, 2 मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको भी कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं मैक्रोनी। ये मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, पानी को मैं उबाल आने तक इंतज़ार करूँगी। पानी हमारा उबलने लगा है, अब मैं इसमें ये मैक्रोनी डाल दूंगी। और इसको मैं उबलने तक इंतजार करेंगे हम। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और इसे उबलने दूंगी। जब तक ये हमारा उबलता है मैक्रोनी, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, अब कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैं भून लूंगी। प्याज को हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, प्याज को हम हल्का ही भूनेंगे। अब मैं प्याज के साथ ही ये गाजर भी डाल दूंगी। ये हमारी गाजर भी हल्की सी भुन चुकी हैं, अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी और साथ ही ये मैं नमक डाल रही हूँ, उसमें काली मिर्च और लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। और अब मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च डाल दूंगी। और साथ ही मैं ये केचप सॉस डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। इसे मैं 1 से 2 मिनट स्लो गैस पे ही पकने दूंगी। हमारी ये मैक्रोनी उबल चुकी है और ये बिल्कुल अच्छे से उबल के तैयार हो गई है। देखो कितने बढ़िया से उबली है। इसको मैं छान लूंगी और ये हमारी मैक्रोनी बढ़िया से उबल चुकी है और इसका हमने पानी निकाल दिया है। तो ये हमारा मसाला भून कर तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें ये मैक्रोनी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। और इसी में 1 से 2 मिनट इसी प्रकार से भून लूंगी। हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।